दोस्तों बहुत सारी अपडेट निकल कर आ रही है इन सारे स्टॉक में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड, सेल लिमिटेड के साथ साथ 10 ऐसे स्टॉक जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस कर दिया अपने स्टॉक बोनस को, स्टॉक स्प्लिट को एंड डिविडेंड को। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल मनी पंप। तो हमारा आज का पहला स्टॉक है ओके प्ले इंडिया लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस 209 रुपीज है। इन्होंने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है स्टॉक स्प्लिट करने का अपने सारे इन्वेस्टरों के लिए, जो इसका रेशियो है 1:10 का। इसका मतलब है कि अगर आपके पास इसका एक भी शेयर है आपके अकाउंट में, तो इसको स्प्लिट करके 10 स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा आफ्टर स्टॉक स्प्लिट होने के बाद। मतलब कि जो आपके पास इसके पहले एक स्टॉक था वो कन्वर्ट होकर 10 स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट दोनों ही अनाउंसमेंट हो चुका है, दोनों ही 11th of March को अनाउंसमेंट किया गया है अपने सारे इन्वेस्टरों को देने का। तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को हमें मिल रहा है, तो इस स्टॉक को अपने वॉचलिस्ट में जरूर ऐड करके रखिएगा। हमारा अगला स्टॉक है कोलैब क्लाउड लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस अभी 162 रुपीज के आसपास ये देखने को मिल रहा है। इन्होंने स्टॉक स्प्लिट करने का अनाउंसमेंट कर दिया है अपने सारे इन्वेस्टरों के लिए, जिसका रेशियो है 1:5। मतलब इसके एक शेयर के बदले में आपको 5 शेयर मिलेंगे एज अ स्टॉक स्प्लिट होने के बाद, मतलब कन्वर्ट हो जाएंगे ये 5 स्टॉक में। इसका एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट दोनों ही 13th of March को अनाउंसमेंट किया गया है। मतलब इस दिन ये अपने सारे इन्वेस्टरों को स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट देने वाले हैं। तो आज का हमारा अगला स्टॉक है ग्रेवेयर एंड वेल इंडिया लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस अभी मात्र 196 रुपीज के आसपास है। इन्होंने भी स्टॉक बोनस का अनाउंसमेंट कर दिया अपने सारे इन्वेस्टरों के लिए। अभी हमने कुछ देर पहले स्टॉक स्प्लिट के बारे में देखा था, अब हम बात करने वाले स्टॉक बोनस का, जो कि ग्रेवेयर एंड वेल इंडिया की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है। इन्होंने 1:1 के रेशियो में अपने सारे इन्वेस्टरों को बोनस देने का ऐलान किया है। मतलब कि अगर आपके पास इसका एक भी शेयर है तो उसको एक शेयर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा एज अ बोनस। टोटल आपके पास हो जाएंगे 2 शेयर आफ्टर स्टॉक बोनस देने के बाद। इसका एक्सटेट और रिकॉर्डेड दोनों ही अभी तक अपकमिंग है, तो जैसे ही कोई इसका अपडेट आता है सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो हमारा अगला स्टॉक है प्रोमैक्स पावर लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस अभी 150 रुपीज के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इन्होंने भी स्टॉक बोनस का अनाउंसमेंट कर दिया अपने सारे इन्वेस्टरों के लिए, जिसका रेशियो है 1:1 का रेशियो। मतलब एक शेयर के बदले में आपको 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब मान लीजिए आपके पास इसका 100 शेयर है प्रोमैक्स पावर का, तो आपको 100 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा और बोनस देने के बाद आपके पोर्टफोलियो में 200 शेयर हो जाएंगे। इसका एक्सटेट और रिकॉर्डेड अभी तक अपकमिंग है, मतलब अभी तक कोई भी अपडेट हमें देखने को नहीं मिल रहा है इनके तरफ से। जैसे ही कोई अनाउंसमेंट होता है तो सबसे पहले मैं आपको इनिशिएट कर दूंगा। तो हमारा अगला स्टॉक है भारत बिजली लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस अभी 5,828 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। इन्होंने स्टॉक स्प्लिट करने का अनाउंसमेंट कर दिया है अपने सारे इन्वेस्टरों के लिए, जिसका रेशियो है 1:2। मतलब कि अगर आपके पास इसका एक भी शेयर है आपके अकाउंट में, तो एज अ स्टॉक स्प्लिट होने के बाद ये 2 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। टोटल आपके पास जो पहले 1 शेयर था वो अब 2 शेयर में चेंज हो जाएगा। इसका एक्सटेट और रिकॉर्डेड अभी तक अपकमिंग है, मतलब कोई भी हमें अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है भारत बिजली की तरफ से। तो जैसे ही कोई अपडेट हमें देखने को मिलेगा मैं आपको सबसे पहले इनिशिएट कर दूंगा। हमारा अगला स्टॉक है यूनाइटेड वैंडर होर्स लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस अभी 274 रुपीज पे ये ट्रेड कर रहा है। इन्होंने स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर दिया है अपने सारे इन्वेस्टरों के लिए, जिसका रेशियो है 1:5। मतलब एक स्टॉक आपके पास पोर्टफोलियो में है तो कन्वर्ट कर दिया जाएगा 5 स्टॉक में आफ्टर स्टॉक स्प्लिट होने के बाद। जिसका एक्सटेट और रिकॉर्डेड दोनों ही अनाउंसमेंट कर दिया गया है, 26th of March को इन्होंने अनाउंसमेंट किया है अपने सारे इन्वेस्टरों के लिए। तो जिसको भी ये स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट चाहिए होगा वो 26th of March से पहले यानी 25th of March तक इसे बाई करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। हमारा अगला स्टॉक है एबीबी इंडिया लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस अभी 5000 पे ये ट्रेड कर रहा है। इन्होंने डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दिया अपने सारे इन्वेस्टरों के लिए। हमें एक अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिल रहा है एबीबी इंडिया लिमिटेड की तरफ से, 23.8 रुपीज पर शेयर का इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। तो एक शेयर के बदले में आपको 23.8 रुपीज मिलेंगे। इन्होंने एक्सटेट और रिकॉर्डेड अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, तो जैसे ही कोई अपडेट आता है सबसे पहले मैं आपको इनिशिएट कर दूंगा। हमारा अगला स्टॉक है सुकरा फार्मा लिमिटेड,
जिसका करंट प्राइस अभी 290 रुपीस पे ये ट्रेड कर रहा है। इन्होंने भी स्टॉक बोनस का अनाउंसमेंट कर दिया है अपने सारे इन्वेस्टरों के लिए, जो कि 3:1 का इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। मतलब कि आपके पास इसका एक शेयर है आपके अकाउंट में, तो एज अ स्टॉक बोनस आपको 3 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे आफ्टर स्टॉक बोनस होने के बाद, तो टोटल आपके पास हो जाएंगे 4 शेयर, जो कि आपके पास पहले हमें एक देखने को मिल रहा था। इन्होंने एक्सटेड और रिकॉर्डेड अभी तक कोई हमें अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है इनके तरफ से। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले मैं आपको इनिशिएट कर दूंगा। हमारा अगला स्टॉक है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से हमें एक बहुत बड़ी खबर देखने को मिल रही है। एक HDFC सिक्योरिटीज करके, जो कि हम जानते हैं इंडिया का बेस्ट सिक्योरिटीज फॉर्म है, इनके तरफ से बाइंग का रिकमेंडेशन दिया गया है स्टील मनी सेल को। इनका मानना है कि जो सेल अभी जो करंट प्राइस पे जो ट्रेड कर रहा है 130 रुपीस के आसपास, ये यहाँ से अभी हमें और तेजी देखने को मिल सकता है सेल में, सेल के तरफ से। क्योंकि अगर हम कुछ दिन पहले भी देखें तो हमें अच्छा खासा हमें तेजी देखने को मिला है, एक से लेकर दो दिन के पहले अगर हम डाटा देखें तो। तो HDFC सिक्योरिटीज के तरफ से सेल के लिए टारगेट दिया गया है, जो कि 145 रुपीस का हमें टारगेट देखने को मिल रहा है। मतलब यहां से हमें डायरेक्ट 15 रुपीस का डिफरेंस देखने को लगभग देखने को मिल रहा है। और इनके तरफ से स्टॉप लॉस भी दिया गया है 119 रुपीस का। इनका मानना है अगर यहां से ये ब्रेकडाउन गिरता है, 119 के नीचे जाता है, तो हमें थोड़ा सा ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो आपके पास अगर है तो 119 के से पहले ही निकल जाए, नहीं तो आप 145 तक इंतजार कर सकते हैं यहाँ हमें चांसेस है जाने का। तो हमारा अगला स्टॉक है जो कि आज का लास्ट स्टॉक भी है, जिसका नाम है वेदांता लिमिटेड। हम जानते हैं आजकल बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में हमें वेदांता लिमिटेड देखने को मिल रहा था, और इनका जो अभी करंट प्राइस हमें देखने को मिला है वो है 270 रुपीज़ के आसपास ये देखने को मिल रहा है। अब क्योंकि ये सारे लोग जानते हैं कि ये बहुत ही बड़ी मल्टी बैगर कंपनी है, क्योंकि इनका जो बिजनेस है ना, सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में इनका काम चलता है। एक बहुत बड़े नुबामा करके एक ब्रोकरेज फार्म है, जो कि इंडिया का नहीं है, ये अदर कंट्री का हमें देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही जाना माना कंपनी है ये। इनके तरफ से बाइंग का रिकमेंडेशन दिया गया है वेदांता लिमिटेड के ऊपर। इनका मानना है कि वेदांता लिमिटेड जिस प्राइस पे भी ट्रेड कर रहा है 270 रुपीस, यहां से हमें और भी तेजी देखने को मिल सकता है। और इनके तरफ से एक टारगेट दिया गया है जो कि 394 का इनका टारगेट है। मतलब यहाँ से हो सकता है कि 90% चांसेस है कि ये इस टारगेट को अचीव कर सकता है, क्योंकि नुबामा जैसे बहुत ही बड़े ब्रोकरेज फर्म है, जो कि ये ऐसे ही किसी भी स्टॉक का बारे में बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं देते हैं जल्दी। और क्योंकि हम जानते हैं वेदांता बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो ये एक अच्छा रिकमेंडेशन हमें देखने को मिल रहा है वेदांता लिमिटेड के लिए। तो इस स्टॉक और सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दोनों को ही आप अपने वॉचलिस्ट में जरूर ऐड करके रखिएगा। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। मैंने आपको वेदांता लिमिटेड के साथ साथ सेल के साथ 10 ऐसे स्टॉक के बारे में बता दिया जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया था अपने स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लिट एंड डिविडेंड को। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।